बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 12 मई से देश में पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। जी हाँ, ये अहम फैसला लिया गया है और 11 मई शाम 4 बजे से रेलवे टिकट के लिए रिजर्वेशंस की भी शुरुआत हो जाएगी। तो 12 मई से ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और फिलहाल जो डिटेल सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली से हावड़ा और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली से पंद्रह के लिए ट्रेनों की शुरुआत होगी। दिल्ली से रांची और भुवनेश्वर के लिए भी स्पेशल ट्रेन होगी। पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत 12 मई से हो जाएगी और 11 मई शाम 4 बजे से लोग इसकी बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि आपको बता दें, मौजूदा हालात को लेते हुए कई एहतियात भी बरतने होंगे। फेस मास्क पहनना जरूरी होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना जरूरी होगा और उसी के बाद लोग रिजर्वेशंस के साथ साथ अब पैसेंजर ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे, क्योंकि 12 मई से देश में पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की खबर आ रही है और कई नियम कायदे कानूनों का पालन करना होगा। हालांकि इस बारे में फिलहाल बताया जा रहा है कि जितने भी रिजर्व कोचेज हैं कोविड-19 को लेकर उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं लोगों के लिए उनको उनके रूट्स को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अभी पैसेंजर ट्रेन्स को लेकर जो फिलहाल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है, कई रूट्स को लेकर जानकारी अभी शेयर की गई है कि दिल्ली से मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए ये स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जम्मू तवी इसमें शामिल बताई जा रही है, साथ ही अहमदाबाद के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलुरु के लिए, डिब्रूगढ़ अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी 15 ट्रेनें बताई जा रही हैं जिनकी इनिशियली ये शुरुआत की जाएगी 12 मई से और 11 मई शाम 4 बजे से इसको लेकर रिजर्वेशंस भी कराई जा सकती हैं। हालांकि हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके लिए फेस मास्क पहनना भी जरूरी होगा और जिनके पास रिजर्व टिकट होगी उन्हें ही जाने की इजाजत होगी। टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगी, टिकट की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है और ये ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन 11 मई शाम 4 बजे से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 12 मई से देश में पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। हालांकि दिल्ली से फिलहाल 15 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी रेलवे के टिकट काउंटर से टिकट्स नहीं मिलेंगी, ये सभी ऑनलाइन बुक करवानी होगी। हालांकि इसी बड़ी खबर पर और डिटेल के साथ हम जल्द वापस लौटेंगे।